afternoon, Nitin ji, and welcome to the Retail Jeweler YouTube channel. We are today discussing about IIJS Virtual. So, what is your view on this new format in which IIJS is going to happen? Namaskar to everyone. We have been dependent on IIJS for so many years. IIJS hamara ek bahut bada platform tha jisse humne kafi business kiya, kafi revenue generate kiya, kahi naye products launch kiye, pure globally ऐसे ऐसे मार्केट हम एक्सप्लोर किए जो हम खुद से शायद कभी कर नहीं पाते थे. काफ़ी अच्छी होप है IIJS वर्चुअल के साथ एंड काफ़ी मेहनत लग रही है बोथ फ्रॉम द टीम एंड मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी इसको प्रमोट करने के लिए. जो पैनडमिक चल रहा था वो एक बहुत नेगेटिव टाइम्स था, उससे मूव ऑन होना ज़रूरी है एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्ट. एंड कि वापस मार्केट्स बिजनेस रीजनरेट करें, रेवेन्यूज जनरेट किए, कस्टमरों से वापस बातचीत शुरू हो एंड इंट्रैक्शन बढ़े ताकि हम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सके एंड काम वापस शुरू हो. सो दिस वर्चुअल शुड बी अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन एंड वी हैव वेरी हाई होप्स कि हमें इसमें काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स मिलना चाहिए. नितिन जी, अब हर साल जब रिटेलर्स आते हैं इंडिया से या मिडिल ईस्ट से या अमेरिका से, जो जहाँ पे आपके सारे क्लाइंट बेसिस भी हैं, वो एक इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि इस बार मीनाक्षी ज्वेलर क्या नया कर रहा है, क्या नया कलेक्शन ला रहा है, क्या नया इनोवेशन ला रहा है. तो इस बार वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे एट IIJS वर्चुअल? तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन इस पीरियड में यही था कि जो हम डिजाइन स्पेशली जैसे हम काफी फेमस थे, ब्राइडल कलेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हम रखते थे और लाइट वेट के भी कलेक्शन हम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखते थे, दोनों कैटेगरी को काफ़ी फुलफिल करते थे. तो अब हमारा फोकस ये है कि जब प्राइस इतने ऊपर चले गए एंड एक कस्टमर के लिए वही प्रोडक्ट खरीदना बहुत महंगा हो गया, कस्टमर एक फिक्स बजट के साथ चलता है तो हमें वो बजट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट कुछ महीनों के अंदर हम हमारी टीम और एक्सपर्ट्स के साथ बैठकर वही कोर कलेक्शन, वही डिजाइन, वही ब्राइडल रेंज जिसकी लुक एंड फील वही हो बट एट द सेम टाइम 20-25% वेट में कम हो ताकि उसका वही बजट में उसे अभी भी सेम प्रोडक्ट मिले जिससे वो वही ग्रैंड्योर फील करे. तो हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन उसके ऊपर है. ब्राइडल कलेक्शंस रहेंगे, लाइट वेट रेंज के कलेक्शंस रहेंगे एंड दिवाली के लिए भी फुलफिल करेंगे हम इसके अंदर, जिसके अंदर दिवाली पे मेजरली लाइट वेट का कलेक्शन लॉन्च होगा एंड ब्राइडल के टाइम पर पूरा ब्राइडल रेंज, वेडिंग सीजन के ब्राइडल रेंज बोथ एटलीस्ट 20-25% लेस होंगे. दैट इज द मेन टारगेट. इसके अंदर हमें काफी चेंजेस करना पड़ा, काफी नए कलेक्शन सीजेड कैटेगरी के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं. रूबी एमरल एंड चक्री पोल की या अनकट डायमंड वॉज ऑलवेज अवर स्ट्रेंथ. सो दिस कंसिडरिंग द प्राइजेस हम सीजेड ज्वेलरी के अंदर जो हम ऑलरेडी थे बट उसके अंदर हम काफी नई रेंज अभी लॉन्च कर रहे हैं. आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे टू ऑल द रिटेलर्स जो आ रहे हैं, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, ओवर 5000 रिटेलर्स रजिस्टर्ड हैं आज IIJS वर्चुअल के लिए फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया फॉर द मेन सीजन? व्हाट डू यू फील व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? हमारे ग्लोबल रिटेलर फ्रेंड्स जो डिफरेंट मार्केट्स में काम करते हैं, उनको अब इस चेंज के साथ रहना है, उनको अपने सेल्स एनवायरनमेंट को बेटर करना होगा, कस्टमर को बोलना होगा कि आओ ये ज्वेलरी खरीदना, इट्स एज सेफ एज इन पास्ट एंड वापस नए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्रमोट करने पड़ेंगे बट ये चेंज जरूरी है. एंड मुझे पता है कि सब लोग ऑलरेडी इस पे लगे, हम वी आर इन टॉक्स विद ऑल अवर रिटेलर फ्रेंड्स अक्रॉस द ग्लोब ऑन अ रेगुलर बेसिस. सब बता रहे कि वो क्या चेंज कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे. तो ये टाइम एकदम सही है कि वो अपने शेल्फ चेंज करे, नई बाइंग शुरू करे. बिजनेस तो करना ही है, आज तक करते हैं, ये ट्रेड हमें हमेशा ही सपोर्ट किया है. सो दिस विल नेवर गो ऑफ. जब तक लेडीज शॉपिंग करते रहेंगे, ज्वेलरी बिकती रहेगी, दिस इज गोइंग टू गो ऑन एंड वी शुड डू मच बेटर इन फ्यूचर. सो लेट्स जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू अ बेटर बिजनेस इन फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच नितिन जी फॉर योर टाइम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू एट IIJS वर्चुअल और ऑल द बेस्ट फॉर द शो फॉर यू. थैंक यू समित, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच.